देते, अगर से काम अगर से डिले करते तो हमारा पहला है निवेदन, दूसरा हमारा जो है तो धरना आंदोलन, और उस पर नहीं हुआ तो भूख हड़ताल, भूख हड़ताल पर नहीं हुआ तो रास्ता रोक हम करने वाले। ये हमारे आपके चैनल से माध्यम से कॉर्पोरेशन तक की हमारी बात। पहले रात को ज़्यादा टाइम नहीं, 11:30 बज रहे थे, 10:15 से 11 बज रहे थे, दो बाइक पे एक लेडीज एक जेंट्स आ रहे थे, तो यही चौपुल्ली पे जो कचरे डिपो का अपना चौपुल्ली है, यहाँ 2-3 चोरों ने उनको घेर लिया था। सब्जी मंडी मार्केट बना देंगे, जादोवाड़ी कितनी दूर है यहाँ से, तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि भाई किसानों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। लेकिन बेशरम महानगर पालिका को कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि मुझे शरम बस्ती में रह रहे हैं, हमारे भी तो जीने का अधिकार है। जी मेरा नाम शेख वाजिद अहमद है, मैं कासमबरी नगर का रहवासी हूँ, तकरीबन 15-20 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ। ये 2-2.5 साल से जो है तो यहाँ से कचरे का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, अभी जो है तो यहाँ पे कचरे का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से जो है तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गई है। हर तरह से हम लोग डर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि क्या पता हमारे घर में कौन सा हादसा हो जाए, हर घर में 1-2 पेशेंट बीमार है। और जो है तभी मैं तमाम महल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे महल्ले एकजुट होके अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो हमारा जो रोड वगैरह ख़राब हो गया था उसको जो है तो वापस से हम लोग जैसे पिछले टाइम सबने मिलके मरम्मत किया था उस तरह से मरम्मत कर रहे हैं। जबकि हर साल जो है तो हम लोग यहाँ पर पैसे जमा करके जो है तो यहाँ का काम करते हैं, लेकिन ये काम जो है तो सही एक्चुअली होना चाहिए कॉरपोरेशन का, लेकिन क्या बात है कि कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी वही टेंडेंसी चढ़े हैं जैसा गवर्नमेंट जो है तो टेंडेंसी चढ़ी, जैसे जो है तो सावकारी की सरकार, जैसा हम बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर अमीरों की सरकार हो गई, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे सकती। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारा कॉरपोरेशन कमिश्नर भी इसी जो है तो माइंड का है, इसी इस पर चढ़ रहा है कि वो दूसरों की तरफ यानी अमीरों की तरफ ध्यान देंगे। हम देखते हैं हमेशा हमारे पास फ़ोटो आते हैं कि कमिश्नर साहब बाइक पे इधर सर्वे के लिए निकले, उधर सर्वे के निकले, जब हम रोड से जाते हैं तो होर्डिंग देखते हैं कि स्मार्ट सिटी की, हाँ ये नदी साफ़ कर दी है, वो कर दिए, तो क्या बात है हमको इतना बड़ा जो है तो अजाब जब दिए तो एक राउंड हमारी तरफ नहीं मार रहे। जबकि आप देख सकते हैं कि इधर एक ग्लोरिया जो है तो NA44 की सोसाइटी है, जबकि कलेक्टर जब इसको जो है जब परमिशन देता है तो ये टोटली लीगल होने के बावजूद जो है तो कम से कम गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, ये कचरा प्लांट ही क्या, कोई भी काम हो तो वो 200 स्क्वायर फीट से 200 मीटर छोड़ के जो है तो वो होता है। लेकिन आप देखेंगे ग्लोरिया सिटी जो NA44 में है, जो लीगली तौर पर है, उसका और कचरे प्लांट का जो डिस्टेंट है वो तकरीबन कुछ 164 मीटर पर आएगा। ये कैसी नाइंसाफ़ी हो रही है, कभी समझो कोई एक आम आदमी कभी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से काम करता है, उसको यानी जो रूल्स है उसके अलावा समझो काम करता है, उसके रूल्स में नहीं बैठता है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है, हाँ उस पर एक्शन लिया जाता है, उस पर पनिशमेंट लगा दी जाती है। लेकिन इस गवर्नमेंट पे कौन लगाएगा, ये कॉरपोरेशन पे कौन लगाएगा? ठीक है हम आदमी है, हम जो है तो एक शरम बस्ती में रह रहे हैं, हमारे भी तो जीने का अधिकार है ना, हम भी जो है तो यहाँ पे बीच में बताया गया कि सिटी के 15 किलोमीटर तक येल्लो है। अब येल्लो जब बस्ती पूरी करार दी गई तो उसके बाद ये प्लान लगा सकते क्या गवर्नमेंट? नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है लगाए हैं आपने, लेकिन तो लगाए तो कम से कम हमको जो प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका भी तो सोल्यूशन निकाले, इसके तरफ भी आए। एक मरतबा भी कमिश्नर साहब यहाँ पर नहीं आए। तो अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी ये मांग है कि जो है तो कमिश्नर साहब यहाँ पर आए, हमारे तकलीफ़ों को समझे, जो हमको गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलनी चाहिए जीने की, वो सुविधा हमको रोड पानी लाइट इसकी सुविधा करके दे। और जो है तो कॉर्पोरेशन ख़ास तौर पे जो है तो यहाँ पर आके जो पानी जमा है काला, जैसा अभी बता रहे थे हम 1-2 दिन पहले जब हम पूरे महल्ले गए अंदर और उन्होंने कहा कि हम टैंकर से पानी खींच रहे हैं, उन्होंने फ़ोटो भी भिजाए, लेकिन वो अंदर क्या रहे, ये इतनी गंदी बास आ रही है कि आना जाना दुश्वार हो गया। अभी हम रोड ये बनाएंगे वापस से, फिर ये रोड ये लोग ख़राब कर देंगे। तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर से इतनी मांग है कि यहाँ पर आके हमारी मूलभूत सुविधा दे, हमको एक हेल्थ सेंटर दे, हाँ जिससे हमारा जो इस कचरे की वजह से जो नुकसान हो रहा है, वरना एक बहुत बड़ी मुसीबत इस एरिए पे आने वाली है। इसको कॉर्पोरेशन कमिश्नर ईजी ले रहे हैं, यहाँ के अधिकारी ईजी ले रहे हैं। कभी कोई अधिकारी होता है वो आश्वासन देता है कि 7 दिन में हो जाएगा, अचानक उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, ये क्या माजरा हो रहा। तो अभी जैसा आप बता रहे हैं
कि यहाँ पर महल्ले पे अगर यहाँ पर कोई वर्क नहीं होता है कॉरपोरेशन की जो लेवल के साथ, तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ी मुसीबत आ सकती है। बड़ी मुसीबत अगर खुदा ना खास्ता ये मुसीबत अल्लाह ना करे अगर आ जाए, तो आप इसको जिम्मेदार किसको ठहरेंगे? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन रहेंगे, कॉरपोरेशन। और कॉरपोरेशन को ये कभी ऐसा कुछ होता है हम लोग के साथ, जैसे आपने छावनी में देखे थे जो है तो गैस्ट्रो का मामला हो गया था ख़राब पानी की वजह से, कितने पेशेंट जो है तो निकले थे। अभी तो ये हो गया कि रात में जब हम लोग यहाँ से जाते हैं या एक आधा पेशेंट जाता है तो यकीन मानेंगे 20-25 कुत्ते एक गाड़ी के पीछे लगते हैं। ऐसे भी हादसा हो सकता है कि कुत्तों ने इंसान को फाड़ दिया, मार दिया, ये भी हादसा हो सकता है। गाड़ी पे जो है तो हर पेरेंट के साथ एक दो बच्चे रहते हैं, मासूम बच्चे रहते हैं, हाँ बज्जनवर है। अभी यहाँ पर हमारा एक धार्मिक स्थल है, हमारी दरगाह है, जब हम यहाँ पे हमेशा जो है तो यहाँ पर जाना, उनकी ज्यारत करके आना। लेकिन आज ये मामला हो गया कि धार्मिक स्थल इतने नज़दीक हो के हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा गंदा पानी ने हमारा रास्ता रोक दिया। उस पर भी जो है तो कॉरपोरेशन का ध्यान नहीं है, कम से कम वो धार्मिक स्थल का तो जो है तो थोड़ी बहुत इज्जत रखे, नहीं इंसान की रख रही है। तो सर आप बता रहे हैं यहाँ पर लाइट का भी कुछ मसला है? लाइट का तो यहाँ पे रोज़ मसला है सब, यहाँ पे तो लाइट है ही नहीं, यहाँ पे कभी MSCB वाले आते ही नहीं, कभी लाइट लगाते नहीं, हाँ कोई मेंटेनेंस है ही नहीं यहाँ पे। आके कभी कोई लाइट ख़राब हो गए तो वो लगा देंगे, हम लोग ही जो है तो इधर उधर से ला के लाइट लगाते हैं। हमारे जो यहाँ के जो सीनियर जो लोग हैं बेचारे आरिफ भाई, आसिफ भाई, हाँ ये लोग ही जो है तो शकील भाई, अकील भाई, ये लोग जो है तो एक अपना ग्रुप में जो है तो कंट्रीब्यूट करके जो है तो काम करते हैं। वोल्टेज 160 यहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए भी लाइट की परेशानी है बहुत? यहाँ से बाहर, यहाँ से आप जितना वो हमारा जो सर्कल छोड़ देंगे तो उसके बाद से तुम्हारा को पूरा अंधेरा मिलेगा। यहाँ पे जो है तो खुद भी हादसा हो सकता, चोरा वगैरह भी हमला कर सकते। यहाँ 20 दिन पहले तो हादसा हो चुका है, यहाँ पे 2-व्हीलर पर रोका गया। और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे दूसरे जो जानवर है जिसको बजनवर कहा जाता है, वो उसकी भी जो है तो क्वांटिटी बढ़ गई है, कुत्तों की क्वांटिटी बढ़ गई है। इस महल्ले के साकियान की ओर से हम सब आसिफ भाई, शकील भाई, सिद्दीक भाई, अकील भाई, वाजिद भाई, ये महल्ला कभी भी आधी रात के लिए कोई भी वो मसला होता है, दुक्का सुक्का रोड का लंदला, या आधी रात को दुबे खड़े लोग आए, ये जिम्मेदार लोग कभी आधी रात को फ़ोन करो जनता, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, अभी 15-20 दिन पहले रात को ज़्यादा टाइम नहीं, 11:30 बज रहे थे, 10:15 या 11 बज रहे थे, दो बाइक पे एक लेडीज़ एक जेंट्स आ रहे थे। तो यही चौपुल्ली पे जो कचरे डिपो का अपना चौपुल्ली है, यहाँ 2-3 चोरों ने उनको घेर लिया था। मारा अल्लाह ना कह रहे उनके भेजा फरिश्ता बना के एक आदमी भेजा, पीछे से 2-व्हीलर आ गई, वो भाग गए, उनके मुँह को ढट्टे बने हुए थे। तो प्रशासन और मेरे अस्सी कुमार पांडे साहब से एक विनंती है कि हमें एक 10 लाइट लगा दिया तो आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार होगा, हमारे पूरे महल्ले की ओर साकियान की ओर से। इतना करें तो बाद में ख़त्म करता हूँ। शेख आसिफ, शेख महबूब, आज यहाँ पर जो मुरम डालने का काम शुरू हुआ रोड पे, लेकिन ये काम जो है तो ऐसे दिल के दिरासे को अगर जो कर रहे हैं तो हमारा अगला कदम जो है तो हम निवेदन दे देकर थक गए। अंदर कचरा डिपो में जो यहाँ का मेन साहब है उसको मिल मिल करके थक गए, तो हमको 4-5 दिन का आश्वासन दे करके वो आगे बढ़ा देते, लेकिन आज यहाँ लोग मौत और ज़िंदगी के बीच जी रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपने खुद देखे हैं, आपने खुद एहसास किए हैं, लेकिन बेशरम महानगर पालिका को कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दलित और मुस्लिम बस्ती है, इसके लिए वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। तो आप अभी देखिए कि ये जो है तो बाजू में ये गड्ढे भरे हुए हैं जो उनके काले पानी से, तो इसकी जो है तो वो बोर के अंदर जा रहे हैं अभी ये पानी में, जम्स होके पानी, तो उसमें भी मसले आ रहे, लोग उससे भी बीमार हो रहे, मच्छरों की तादाद बढ़ गई, कुत्तों की, पर ध्यान ही नहीं उनका। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो लोग इंसान ही रहते हैं ना, जानवर तो नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद में भी उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम निवेदन दिए, शकील भाई, आरिफ भाई है, मैं है, इनो क्या नाम हमारे, सिद्दीक भाई है, अखिल भाई है, वाजिद भाई है, हम सब लोग मिल करके करें, और पूरा महल्ला हमारे साथ में खड़े हुआ है, पूरा महल्ला। और आज ये जो भी छुटमुट जो काम आज इन्होंने शुरू करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कुछ वक्त तक के रहेंगे, बाद में उनके हरदर्मी यही है कि हम आज ये इसको 3 साल से सह रहे, और ये अभी उन्होंने वक्तन फक्तन आज उन पर दबाव आया तो उन्होंने काम शुरू करे, तो ये किसी पक्ष को नहीं कि किसी पक्ष की वजह से हो रहा, ऐसा भी नहीं है, पूरा महल्ला साथ में है, यहाँ के जिम्मेदार लोग साथ में थे और कुछ शहर से आके लोगों ने साथ दिए थे। लेकिन अभी मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर जो इनकी हरदर्मी यही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अभी हाल ही में एक 8 दिन या 10 दिन के पहले की बात है कि एक बंदे ने जो आंदोलन करा, मुझे वो कोई भी पार्टी का हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक कॉरपोरेशन पे झाड़ पर चढ़ कर के जो है तो
उनने उनके उसके कामा मनवाए तो वहाँ ना कोई खासदार था, ना कोई आमदार था, ना कोई नगर सेवक था, वो एक कार्यकर्ता था। तो मैं बताता हूँ कि हमको ना खासदार की ज़रूरत है, ना आमदार की ज़रूरत है, ना नगर सेवक की ज़रूरत है। मैं महल के लोगों से हर वक्त ये गुजारिश करा कि हम ही खासदार, हम ही आमदार, हम ही नगर सेवक, लेकिन जितने बाजू उतना दम वाली बात होती तो जो है तो पूरे लोग मिल करके हम जो है तो अगला हमारा आंदोलन जो है तो हम अभी निवेदन देते, अगर से काम अगर से डिले करते तो हमारा पहला है निवेदन, दूसरा हमारा जो है तो धरना आंदोलन, और उस पर नहीं हुआ तो भूख हड़ताल, भूख हड़ताल पर नहीं हुआ तो रास्ता रोक हम करने वाले। ये हमारे आपके चैनल से माध्यम से कॉरपोरेशन तक की हमारी बात जाना चाहिए, कॉरपोरेशन कमिश्नर ने इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगला कदम हमारा अभी ये 4 से 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम ये कदम उठाने वाले। पड़ेगा रहवासी, जैसे कि आप सबको मालूम है कि भाई ये कचरा डिपो पड़ेगा में एक डाला गया है, और इसके ऊपर आज नहीं तो कल कोर्ट का कुछ आदेश आएगा और वो आदेश पब्लिक के हाथ में जाएगा। तो मैं एक आघाड़ी सरकार को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने इतना पैसा यहाँ पे खर्चा करने लगा है महानगर पालिका के थ्रू, तो इसको आपका वेस्ट पैसा दे जाएगा। अगर आप इसी को अगर सब्जी मंडी मार्केट बना देंगे, जादोवाड़ी कितनी दूर है यहाँ से, तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि भाई किसानों को यहाँ पर रोज़गार मिल जाएगा और अंदर दुकानें बन जाएंगी, आपको जो तो उसकी इनकम चालू हो जाएंगी। तो आप बराए मेहरबानी अंदर शेड बने हुए अंदर आप जो तो दुकानें लगवा दीजिए, और एक हमारे को जैसे जादोवाड़ी की जैसे एक मंडी अगर आप अगर वो एक दे दिए तो बड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो आज नहीं तो कल उनको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ उनको।